गूगल ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे के भारतीय यूजर्स के लिए नया लोगो जारी कर दिया है। इस नए लोगो को गूगल पे के 116.1.9 बीटा वर्जन के साथ जारी किया जा रहा है। गूगल पे के नए लोगो का अपडेट कुछ भारतीय यूजर्स के लिए जारी कर दिया गया है। कंपनी जल्द ही गूगल पे का फाइनल वर्जन भी जारी करेगी। गूगल के नए लोगो में यू और एन को इंटरलॉगिंग करते हुए दिखाया गया है, जो यूजर्स को 3D डिजाइन की तरह लगता है। हालांकि यह ऐप पहली नजर में पेमेंट ऐप की तरह नहीं लगता है। गूगल पे का नया लोगो पुराने से पूरी तरह से अलग है। हालांकि कंपनी की तरफ से नए लोगो में पुराने थीम कलर रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन लोगो की डिजाइन से जी और पे शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया है। गूगल पे को सबसे पहले भारत में तेज के नाम से लॉन्च किया गया था, जिसका नाम बदलकर गूगल पे कर दिया गया। गूगल पे ऐप भारत में काफी पॉपुलर है, लेकिन अब कंपनी गूगल पे के लोगो में बदलाव करने जा रही है। गूगल पे ने इससे पहले जीमेल समेत कई दूसरे ऐप्स के लोगो में बदलाव किया है। गूगल पे को करीब 3 साल पहले 18 सितंबर 2017 को भारत में लॉन्च किया गया था। गूगल पे हाल ही में दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला पेमेंट ऐप बन गया है। इसे पूरी दुनिया में एक महीने में औसतन 10 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है। भारत गूगल पे का बड़ा यूजर बेस है। भारत में 78 लाख लोगों ने गूगल पे को डाउनलोड किया है। गूगल पे के नए लोगों के साथ ही यूजर्स की सुविधा के लिए नया स्टैंडर्ड इंटरफेस जारी किया जा सकता है। गूगल ब्लॉग पोस्ट में इसका खुलासा हुआ था। गूगल पे के नए यूआई को पिक्सल फोन रखने वाले कई यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया गया है। हालांकि जल्द गूगल पे का अपडेट बाकी स्मार्टफोन में मिलना शुरू हो जाएगा। एंड्रॉइड पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक नए इंटरफेस में बॉटम टैब हटा दिया गया है और सभी नेविगेशन को हैमबर्गर मेन्यू में शिफ्ट कर दिया गया है। नए होम पेज पर केवल पेमेंट कार्ड और लॉयल्टी कार्ड की कॉलिंग लिस्ट दिखेगी। हैमबर्गर मेन्यू की एंट्री के जरिए आप पेमेंट को रीऑर्डर कर सकेंगे। साथ ही आप एक्सपायर पास की एक्टिविटी देख पाएंगे। होम मेन्यू में अपर साइड ऐड अ न्यू पेमेंट मेथड ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा पेमेंट मेथड में भी आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।